नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2019-20 के दौरान की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरओ एआरओ साथ ही पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसे ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2019-20 के दौरान की गई हैं उन्हें इस लेक्चर में हमें एक क्रम से देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे ही हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखें क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हाल ही में जो नियुक्त उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी, ठीक है। तो देखिए, संजय करोल, इन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। संजय करोल पटना उच्च न्यायालय, अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मोहम्मद रफीक ये मेघालय उच्च न्यायालय, इंद्रजीत मोहंती ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, एस मनी कुमार ये केरल उच्च न्यायालय, रवि शंकर झा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जेके महेश्वरी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अजय लांबा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विक्रम नाथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गोविंद माथुर ये नाम महत्वपूर्ण होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राघवेंद्र सिंह चौहान तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लिंगप्पा नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रदीप नंद राजोग बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और धीरू भाई नारन भाई पटेल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रशांत कुमार झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाल ही में नियुक्त हुए राज्यों के राज्यपालों की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नियुक्ति हुई है वो गिरीश चंद्र मुर्मू की हुई है, इन्हें उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। तो काफ़ी चैलेंजिंग काम माना जा रहा था उपराज्यपाल के रूप में जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो उपराज्यपाल ही देखेंगे वहाँ। और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। अगला, बंडारू दत्तात्रेय ये हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल बनाए गए हैं, और सत्यपाल मलिक जो कि पहले एकीकृत जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल थे उन्हें अब गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल, अब ये लालजी टंडन कलराज मिश्र ये सारे लोग, सत्यपाल मलिक ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश, कलराज मिश्र राजस्थान के, भगत सिंह कोशियारी ये उत्तराखंड के हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान ये भी काफ़ी चर्चित नाम है ये केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं, और तमिल साई सौंदराजन ये जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नव निर्वाचित जो राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो कैटरीना सेकेला रोपोलो ये राष्ट्रपति ग्रीस की बनी है, और ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एक नाम जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, सना मारिन का ये प्रधानमंत्री बनी है फिनलैंड की, काफ़ी युवा, काफ़ी फोटो सोशल मीडिया पर इनका वायरल हुआ। मैनुअल मरेरो क्रूज ये प्रधानमंत्री बने हैं क्यूबा के, ठीक है। अगला, जेयर बोलसोनारो राष्ट्रपति ये हैं ब्राजील के, ये महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस के साथ इसको जोड़ के देखेंगे। तो कैस सैयद ये राष्ट्रपति बने हैं ट्यूनेशिया के, और सबसे महत्वपूर्ण नारुहितो ये राजा बन गए हैं जापान के, ठीक है। नारुहितो जापान के 126वें राजा बन गए हैं। अब जो है जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उनको एक क्रम से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रखा है
कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, इसे याद रखने की ज़रूरत है। तो जो ट्रस्ट बनाया गया है भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करने के लिए, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। अगला नाम बिपिन रावत का, तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं। मुकुंद नरवाने को आर्मी चीफ बनाया गया, थल सेना की बात हो रही है, ठीक है। अगला पिनाकी चंद्र घोष, ये देश के पहले लोकपाल बने हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिज कुमार अग्रवाल, ये लोकपाल सचिव बने हैं। और शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और जी सतीश रेड्डी, ये जो है DRDO के अध्यक्ष हैं। और अगला कृष्णा स्वामी नटराजन, ये महानिदेशक हैं तट रक्षक बल के। और ऋषि कुमार शुक्ला, ये CBI के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन और MD हैं। विनय दुबे गो एयर के CEO हैं, गो एयर इस समय काफ़ी चर्चा में है। और सुंदर पिचई, ये अल्फाबेट के CEO हैं, अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। पहले ये जो है गूगल का काम देख रहे थे, अब जो है पूरा अल्फाबेट का काम देख रहे हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्ठी, ये SBI के MD हैं। और युवराज मलिक, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। संगीता रेड्डी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, ये फिक्की की अध्यक्षा हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हैं भारत के नए विदेश सचिव। अगला मसात्सुगु असाकावा, ये ADB के नए अध्यक्ष हैं। डेविड मालपास, ये अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षा हैं। सुजीत S. भल्ला, ये IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक हैं। गुलजार अहमद, ये पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुनील अरोड़ा, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के 23वें नंबर के। प्रवीण कुमार पुरवार, ये अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं BSNL के। और नलिन सिंघल, ये अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं भेल के, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो RK चिब्बर, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंतरिम अध्यक्ष। गीता मित्तल, ये नाम महत्वपूर्ण है, J&K राज्य की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगला मृत्युंजय महापात्रा, ये महानिदेशक हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के। नरेंद्र बत्रा, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और सौरभ गांगुली, बहुत सुपरिचित नाम, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रजराज शर्मा, ये कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष हैं। KN धतवालिया, ये पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के प्रमुख डायरेक्टर जनरल हैं। और भारत के विभिन्न देशों में जो हाल में राजदूत नियुक्त हुए हैं, एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, उनकी बात करते हैं, तो तरनजीत सिंह, ये अमेरिका के लिए भारत के नए राजदूत हैं, इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा अमेरिका की वजह से। अंजनी कुमार, ये माली गणराज्य के लिए भारत के राजदूत होंगे। सी सुगंध राजा राम, ये घाना के लिए भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। पवन कपूर, ये UAE के लिए अगले राजदूत होंगे। दिनेश भाटिया, ये पराग्वे के लिए अगले राजदूत होंगे। और घोटू राम मीना, ये चेक गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत होंगे। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां रही, उन्हें हमने एक क्रम से देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।